हेलो ट्वेल्थ क्लास बच्चों, मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से हम आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, ट्वेल्थ क्लास पिछले दिनों हम लोगों ने जो ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका सेकेंड लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। सेकेंड लेसन क्या था? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसके हम लोगों ने तीन भाग यानी तीन पार्ट इसके पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसका पार्ट फोर यानी भाग चार और आखिरी भाग पढ़ेंगे, ठीक है? और यानी आज आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले भाग में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पिछले भाग में यानी भाग तीन में हम लोगों ने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विश्व जनसंख्या के दो गुना होने की अवधि, है ना। और तीसरा हम लोगों ने देखा था जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। तो आज हम लोग इसी लेसन को आगे पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो आप सोचेंगे जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन को वृद्धि भी बोलते हैं, है ना। तो परिवर्तन के नाम से भी पूछा जा सकता है या वृद्धि के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का मतलब जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, या जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है वो, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे जो विकासशील देश हैं खास तौर से उनके लिए जनसंख्या में अल्प वृद्धि, है ना, अपेक्षित है। और नेचुरली है कि इन देशों में थोड़ी जनसंख्या तो बढ़ेगी, बढ़नी ही है। लेकिन फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो फिर वो वृद्धि किसको जन्म दे देती है? समस्याओं को क्या करती है? जन्म देती है या समस्याओं को उत्पन्न करती है। अब वो कौन सी समस्याएं हैं, है ना, उनको हम लोग देखेंगे, या जनसंख्या वृद्धि का कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है या समस्या है वो ये है कि जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है यानी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण जो उपलब्ध संसाधन है, है ना, उनका क्या हो रहा है बच्चों? तेजी से ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब उनमें तेजी से कमी आ रही है जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता का स्तर भी क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो उपलब्ध संसाधन है वो जनसंख्या बढ़ने के कारण तेजी से क्या कम होते जा रहे हैं, है ना। दूसरा समस्या या प्रभाव क्या पड़ता है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन का, वो है कि जो देश के उपलब्ध संसाधन होते हैं वो देश की बढ़ती जनसंख्या का समुचित भरण पोषण नहीं कर पाते। यानी जब जनसंख्या बढ़ती है तो देश में जो उपलब्ध संसाधन है वो देश की बढ़ती जनसंख्या का समुचित भरण पोषण नहीं कर पाते जिसके कारण देश में क्या होती है? भूखमरी, महामारी और गृह युद्ध जैसी समस्याएं क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। तो भूखमरी, महामारी और गृह युद्ध जैसी समस्याओं के उत्पन्न होने के पीछे भी जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि जो है वो कारण मानी जाती है। तीसरा प्रभाव क्या है या तीसरी समस्या क्या है जनसंख्या परिवर्तन का, वो ये है कि बच्चों एड्स यानी जिसको हम HIV भी बोल सकते हैं, तो एड्स या HIV जैसी जो घातक बीमारियां हैं, है ना, इनका भी जो ज़्यादातर इनका प्रभाव है वो अफ्रीका और अफ्रीका के साथ ही जो हमारे स्वतंत्र राष्ट्रों के जो राष्ट्रकुल देश हैं, है ना, और उनके कुछ भागों में और एशिया में मृत्यु दर को क्या किया है? बढ़ाने में मदद की है। यानी एड्स और HIV जैसी जो बीमारियां हैं इन्होंने अफ्रीका में जो हमारे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल है, है ना, और एशिया में मृत्यु दर को बढ़ाने में क्या किया है? मदद। यानी इनके कारण इन देशों में मृत्यु दर क्या हुई है? बढ़ी है,
ठीक है। तीसरा प्रभाव हो गया। चौथा प्रभाव क्या हुआ कि जनसंख्या परिवर्तन के कारण भूखमरी, महामारी और गृह युद्ध जैसे जो समस्याओं से ग्रस्त देश हैं या क्षेत्र हैं, उनके निवासियों की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा मतलब होती है बच्चों जो लोगों के जीने की औसत आयु है, एज है ना, एवरेज एज जो है वो भी क्या हो गई है, घट गई है। यानी जो पहले 70 साल है ना, 60 से ऊपर जीते थे या 70-80 साल जीते थे, अब वो औसत आयु क्या हो गई है लोगों की, कम हो गई, 60 साल, 58 साल, 45 साल, तो ये किस कारण से या उससे भी कम हो गई है। तो जीवन प्रत्याशा इन भुखमरी, महामारी और गृह युद्ध के कारण क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है, यानी घट गई है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। यानी लोगों की औसत आयु क्या हो गई है, घट गई है। यानी जो लंबा जीते थे लोग, अब कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया बच्चों जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव या जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्या है, उत्पन्न हो रही। अब आता है दूसरा पॉइंट है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, है ना। अब चलती है जनांकीय संक्रमण क्या है या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है बच्चों, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वा अनुमान के लिए किया जाता है। यानी इस सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वा अनुमान के लिए किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमको बताता है कि जैसे ही एक समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके यानी प्रगति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, है ना। और ये परिवर्तन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण या जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो समझ में आ गया जनांकीय संक्रमण क्या होता है। यानी जब क्या होता है, एक समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से निकल कर कहाँ पहुँच जाता है, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाता है, और उस प्रदेश की तब जनसंख्या जो है वो जहाँ उच्च जन्म दर था, उच्च मृत्यु दर था, वो क्या हो जाता है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण या चक्र के रूप में जानते। इसको दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं बच्चों, जब एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज, है ना, प्रौद्योगिक आधारित नगरीय समाज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो परिवर्तन है वो एक बार में नहीं होता है, बल्कि ये विभिन्न अवस्थाओं में होता है, है ना, और इन्हीं के सामूहिक रूप को हम जनांकीय चक्र कहते हैं। आप इस चित्र से देख सकते हो, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक तरफ ये समाज है जो ग्रामीण है, खेतिहर है यानी खेती पर निर्भर है और अशिक्षित है, यानी ये ग्रामीण समाज है जहाँ जन्म दर भी क्या है बच्चों, वो अधिक है और मृत्यु दर भी क्या है, अधिक, उच्च का मतलब अधिक है। लेकिन जब यही ग्रामीण समाज जो खेती पर निर्भर है, अशिक्षित है, वो क्या हो जाता है बच्चों, उन्नति कर जाता है, विकास कर जाता है, है ना, ठीक है, तब क्या होता है, विकास करके वो नगरीय और
नगरीय और औद्योगिक, और क्या हो जाता है, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा हो जाता है, शिक्षित हो जाता है। ठीक है, तो जब समाज एक नगर ग्रामीण से बदल कर क्या हो जाता है, नगरीय हो जाता है ना, साक्षर हो जाता है समाज, तब जो ग्रामीण यानी जब अशिक्षित था तो उच्च जन्म दर उच्च और उच्च मृत्यु दर था, लेकिन जब साक्षर हो जाता है वो समाज उन्नति के करके, तब जन्म दर भी निम्न हो जाता है और मृत्यु दर भी क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। इसी जनानकीय है ना परिवर्तन को ही, इसी जनानकी किए परिवर्तन को ही, यानी ग्रामीण से नगरीय होना है ना, साक्षर होना, फिर उच्च की जगह निम्न हो जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की जगह निम्न मृत्यु दर हो जाना ही कहलाता है जनानकी किए संक्रमण। समझ में आया? तो एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज का है ना, एक प्रौद्योगिक आधारित या औद्योगिक आधारित नगरीय समाज में बदल जाना ही क्या कहला जाता है, जनानकी किए संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अभी हमने बताया कई अवस्थाओं में होता है, तो जनानकी किए संक्रमण जो है वो तीन अवस्थाओं में होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो इसकी कितनी अवस्थाएं हैं बच्चों? तीन अवस्थाएं हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। अब जल्दी से इन अवस्थाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें उच्च प्रजननशीलता होती है और उच्च मर्त्यता होती है। मर्त्यता का मतलब होता है मृत्यु दर, यानी प्रजननशीलता का मतलब जन्म दर, और मर्त्यता का मतलब होता है, मर्त्यता का मतलब होता है मृत्यु दर। तो ये दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं यानी अधिक होते हैं। किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में, है ना। क्यों ऐसा होता है कि जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा? इसलिए क्योंकि इस अवस्था में ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों में क्या हैं, लगे रहते हैं, जहाँ बड़े परिवारों को क्या माना जाता है, परिसंपत्ति माना जाता है। इसलिए प्रथम अवस्था में जन्म दर जो है वो क्या होती है, ऊंची मिलती है यानी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ प्रथम अवस्था में लोग जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, निरक्षर होते हैं, अशिक्षित होते हैं, और यहाँ प्रौद्योगिकी का यानी तकनीकी का स्तर भी बहुत निम्न होता है, और महामारियों और भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण यहाँ मृत्यु दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है, है ना। तो ये प्रथम अवस्था की क्या है, विशेषता है कि यहाँ उच्च जन्म दर भी होता है और उच्च मृत्यु दर। क्यों होता है? क्योंकि ये कृषि कार्य में लगे लोग हैं, है ना, यहाँ बड़े परिवार को परिसंपत्ति माना जाता है, अशिक्षित लोग हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत निम्न है, महामारियाँ हैं, और भोजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के कारण यहाँ मृत्यु दर क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा बांग्लादेश जो है वो इसी प्रथम अवस्था में आता है। ठीक है, अब इसको इस चित्र में भी हम देख सकते हैं, ये है प्रथम अवस्था, है ना, ये प्रथम अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था, ये तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में ये हमने लिखा है ना, ये इस लाइन पे जन्म दर और मृत्यु दर। तो प्रथम अवस्था में अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ बनाया गया है वो एकदम क्या है बच्चों, स्थिर है ना, यानी एकदम समान है, इसमें कहीं ऊंचाई नीचाई नहीं है। तो यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है बच्चों, अधिक हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बांग्लादेश और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो बांग्लादेश और वर्षावन वाले क्षेत्र हैं ना, तो ये ज़्यादातर कैसे क्षेत्र हैं, जो कृषि पर आधारित हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, निरक्षर लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी नहीं है इन क्षेत्रों में, इस कारण से यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है बच्चों, अधिक है। दूसरी अवस्था में कौन आता है, वो है हमारा, ये हम लोग देखते हैं। दूसरी अवस्था उस अवस्था को कहते हैं, यानी इस अवस्था में प्रजननशीलता यानी जन्म दर शुरू में क्या रहती है,
उच्च रहती, उच्च मतलब अधिक रहती है, लेकिन समय के साथ ये क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है ये जन्म दर के दिखा रहा है और ये वाला जो गुलाबी लाइन है ये मृत्यु दर को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस अवस्था में जो प्रारंभ की अवस्था उसमें जन्म दर जो है वो अधिक है, लेकिन उसके बाद जन्म दर धीरे धीरे क्या होती गई है, कम होती गई है। और मृत्यु दर में अगर हम देखें तो मृत्यु दर जो है वो जन्म दर की तुलना में इसमें ज़्यादा क्या पाई जाती बच्चों, कमी पाई जाती। ये देखिए ऊंचा है ये ग्राफ और ये क्या हो गया है, एकदम से नीचा है। तो जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में क्या पाई जाती है, ज़्यादा कमी पाई जाती है इस द्वितीय अवस्था में। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण क्या बताया था, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में क्या आती है, तेजी से गिरावट आती है। एकदम देखिए ग्राफ नीचे आ गया तो गिरावट आई, तो क्यों गिरावट आई, जन्म दर का देखिए ऊंचा है तो क्यों गिरावट आई, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जो दशाएं हैं उनमें सुधार के कारण इसमें क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, जनसंख्या में तेजी से क्या होती है, इसीलिए इस अवस्था में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी जिसके कारण जनसंख्या जो दर है उसमें तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि मृत्यु दर कम हो गया ना। क्यों कम हो गया, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुधार के कारण। कौन से देश इसमें आते हैं, तो आप देख सकते हैं पेरू है, कीनिया है, श्रीलंका, ये इसी द्वितीय अवस्था में आने वाले देश हैं, यानी ये विकासशील देश हैं जो विकास कर रहे हैं। अब आता है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में तेजी से क्या आती है, गिरावट आती है, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इस अवस्था में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं वे शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और तकनीकी ज्ञान का स्तर भी इस अवस्था में क्या रहता है, उच्च रहता है, है ना। और इसीलिए इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में तेजी से क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, ये है तृतीय अवस्था और ये जो पिंक कलर से मैंने ग्राफ बनाया है ये है जन्म दर और मृत्यु दर को दिखाने वाला ग्राफ। आप देख सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को एक ही उससे रेखा से दिखाया गया और दोनों में क्या आ गई है बच्चों, गिरावट आ गई है, है ना। तो इसका कारण क्या है कि इस अवस्था में लोग क्या हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं और गांव से निकल कर कहाँ आ गए हैं, नगरीय क्षेत्रों में आ गए हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में तेजी से इस अवस्था में क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। इस अवस्था में कौन से देश आते हैं, इस अवस्था में कैनेडा है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश इसी अवस्था में आते हैं। कैनेडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सी अवस्था में है, तीसरी अवस्था में। तो तीसरी अवस्था में जन्म और मृत्यु दर एकदम क्या हो जाते हैं, उनमें तेज़ी से गिरावट आ जाती है। ठीक है, और ये सारे देश जो इसमें आते हैं वो सभी देश क्या हैं बच्चों, विकसित देश हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे बच्चों। ये तीनों अवस्था हो गई, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अब चलते हैं जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, जनसंख्या परिवर्तन पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं। तो आपको बहुत सारे उपाय पता होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ दो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। पहला है परिवार नियोजन
और दूसरा है थॉमस माल्थस का सिद्धांत। तो परिवार नियोजन सबसे बेहतर उपाय माना जाता है बच्चों जनसंख्या नियंत्रण के लिए। क्यों माना जाता है? क्योंकि परिवार नियोजन जो है वो बच्चों के जन्म को रोकना और बच्चों में अंतराल रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो परिवार नियोजन सबसे महत्वपूर्ण उपाय इसलिए है कि परिवार नियोजन बच्चों के जन्म को रोकना और उनके बीच में अंतराल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका परिवार नियोजन निभाते हैं। दूसरा, परिवार नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण में कि परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित यानी सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी भूमिका निभाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को तो सीमित करते ही हैं, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य को भी क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा, परिवार नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े परिवारों के लिए कुछ निरुत्साहक है ना, निरुत्साहक मतलब जो उत्साहित ना करने वाले जो उपाय होते हैं, ऐसे प्रावधान भी ज़रूरी हैं। यानी ऐसे भी उपाय करने चाहिए जो बड़े परिवारों को प्रोत्साहन ना दे करके छोटे परिवारों को क्या करे, प्रोत्साहन दे। और इन उपायों को अपनाकर हम जनसंख्या पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण। थॉमस माल्थस का, थॉमस माल्थस जो हैं वो इंग्लैंड के हैं रहने वाले थे और ये पादरी थे। इन्होंने 1798 में कहा था जनसंख्या के संबंध में जो बातें कही थीं वो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, इनका मानना था, इनका कहना था कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जो है अधिक तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा बात जो इन्होंने कहा वो ये था कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी एवं युद्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। यानी जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। तीसरी बात, माल्थस ने जनसंख्या के बारे में क्या कहा था कि जनसंख्या पर भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वविवेक नियोजन से नियंत्रण अधिक लाभकारी है। स्वविवेक मतलब लोग खुद ही है ना प्लानिंग करें, नियोजन करें परिवार के बारे में, वो ज़्यादा सफल होगा, ना कि जो भौतिक तरीके जनसंख्या को रोकने के लिए अपनाए जाते हैं। तो स्वविवेक नियोजन से जनसंख्या को रोकना अधिक क्या है, लाभकारी है। ये किसका कहना था? थॉमस माल्थस का सिद्धांत। तो बच्चों, ये आपका मानव भूगोल का जो हमारा मूल सिद्धांत का जो सेकेंड लेसन था वो आज आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट लेसन हम लोग नया लेसन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।